मूवी के स्टार्ट में हम एक रोड पर एक गाड़ी को जाता हुआ देखते हैं। उस गाड़ी में एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम होता है एशली। एशली असल में अपने हस्बैंड के पास जा रही होती है क्योंकि एक साल से उसका हस्बैंड जेल में था, लेकिन आज उसका हस्बैंड जेल से आजाद होने वाला था, इसीलिए एशली उसे पिक करने जा रही थी। फिर एशली का हस्बैंड जेल से बाहर आ जाता है और उसका नाम होता है मैक्स। फिर वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठ कर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। मैक्स एशली से अपने बेटे के बारे में पूछता है कि वो कैसा है, जिस पर एशली कहती है कि वो तो बिल्कुल ठीक है और अब वो स्कूल भी जाने लग गया है। फिर वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, वहाँ जाकर एशली गाड़ी में फ्यूल भरती है, जबकि मैक्स करीब के ही एक जनरल स्टोर में चला जाता है जहाँ पर उस टाउन का पुलिस ऑफिसर शॉपकीपर से किसी के मिसिंग होने के बारे में पूछता है, जहाँ पर शॉपकीपर पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मुझे तो लगता है कि उसे बिग फुट ले गया। दरअसल उस सिटी में एक कहानी काफी फेमस थी कि काफी साल पहले हमारी सिटी के जंगलों में डेमन जैसे क्रिएचर रहते थे और उन डेमन क्रिएचर्स को बिग फुट कहा जाता था। सिटी के अक्सर लोग इस बात पर बिलीव करते थे कि वो क्रिएचर आज भी एग्जिस्ट करते हैं, और जो लोग बिलीव करते थे उसमें शॉपकीपर भी शामिल था। इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मुझे तो कंफर्म है कि इसे बिग फुट लेकर गया है, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर था वो इन बातों पर बिलीव नहीं करता था। इसीलिए वो शॉपकीपर को कहता है कि इन बातों को छोड़ो, अगर तुम्हें ये मिसिंग आदमी मिल जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। फिर वो पुलिस ऑफिसर मिसिंग आदमी की पिक्चर वहाँ पर लगे एक नोटिस बोर्ड पर लगा देता है, जिस पर ऑलरेडी मिसिंग लोगों की काफी पिक्चर्स लगी हुई थी। फिर मैक्स उस जनरल स्टोर से बाहर आ जाता है और एशली के पास जाने लगता है। मैक्स देखता है कि उस एरिया के कुछ लोग शिकार पर जा रहे हैं और वो एशली को बुरी नजरों से देख रहे थे। उन लोगों का पूरा एक ग्रुप था और जब वो ग्रुप मैक्स को देखता है तो वो उसे क्रिमिनल कहने लगते हैं, लेकिन ये दोनों हस्बैंड वाइफ उन लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर गाड़ी में मैक्स ड्रिंक करने लगता है, लेकिन एशली मैक्स को ड्रिंक करने से रोकती है क्योंकि उसे मैक्स का ड्रिंक करना स्मोकिंग करना काफी बुरा लगता था। एशली गुस्से में मैक्स को कहती है कि तुम्हें जेल से आए हुए अभी कितनी देर हुई है कि तुमने स्मोकिंग शुरू कर दी। फिर उन दोनों की इस बात को लेकर बहस हो जाती है। वो लोग बहस करने में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि उन्हें इस बात का तो ख्याल ही नहीं रहता कि उनकी गाड़ी के आगे एक आदमी आ गया है और ये उस आदमी को अपनी गाड़ी से हिट कर देते हैं। दोनों अपनी गाड़ी से बाहर आकर उस आदमी को चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी देखते हैं कि वो आदमी इस एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया है। उसकी हालत काफी खराब है, उसकी दोनों टांगे बॉडी से अलग होकर कट चुकी हैं और उसकी बॉडी पर काफी गहरे चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी जंगली जानवर ने उस पर अटैक किया हो। उस आदमी की ऐसी हालत देख कर ये सोच रहे थे कि शायद वो मर चुका है, लेकिन तभी वो आदमी मूव करने लगता है। तब एशली जल्दी से पुलिस को कॉल करने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन मैक्स एशली को ऐसा करने से यानी पुलिस को कॉल करने से मना करता है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो जेल से बाहर आया था और इस एक्सीडेंट की वजह से वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। लेकिन एशली उसकी ये बात नहीं मानती और वो पुलिस को कॉल कर देती है। वो पुलिस को कहती है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और साथ साथ वो अपनी लोकेशन भी पुलिस को बता देती है। तभी अचानक से मैक्स को जंगल में कुछ दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले कि वो समझ पाता कि ये क्या है, कोई उन पर पत्थर मारने लगता है। तब मैक्स और एशली दोनों ही गाड़ी के पीछे जल्दी से छुप जाते हैं, लेकिन जब दोबारा देखने के लिए मैक्स अपना सर बाहर निकालता है तभी एक पत्थर आकर सीधा मैक्स के सर पर लग जाता है, जिससे मैक्स पीछे की तरफ जाकर गिरता है और वहाँ से गिरता गिरता वो रिवर में जाकर गिरता है। तब एशली उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन वो देखती है कि मैक्स वो बेहोश हो गया है। तब एशली मैक्स को बचाने के लिए जल्दी से रिवर में कूद जाती है, लेकिन पानी की लहरें बहुत तेज थी इसीलिए वो आगे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जब पानी की लहरें कम हो जाती है तब एशली मैक्स को लेकर पानी से बाहर आ जाती है, लेकिन मैक्स स्टिल बेहोश ही था। फिर एशली मैक्स को इमरजेंसी प्रोसीजर के जरिए होश में लाती है, जिससे मैक्स को होश आ जाती है। अब क्योंकि पानी बहुत ज्यादा ठंडा था और वो काफी देर पानी में ही रहे थे, इसी वजह से उन्हें सर्दी लगने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पर उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था वहीं पर हम एक डीमन जैसा क्रिएचर देख पाते हैं जो उन लोगों की गाड़ी को धकेल कर रिवर में फेंक देता है, और जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था वो भी मर चुका था और वो डीमन क्रिएचर उस आदमी की डेड बॉडी को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ मैक्स और एशली को अभी तक ठंड लग रही थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। तब एशली मैक्स की लाइटर की मदद से वहाँ पर आग जलाती है और बाद में ये लोग अपने कपड़ों को ड्राई करने के लिए करीबी झाड़ियों पर रख देते हैं। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ आग के पास बैठ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर वापस अपने पुलिस स्टेशन जा रहा है। रास्ते में उस पुलिस ऑफिसर को एक लेडी मिल जाती है जो कि अपने मिसिंग हस्बैंड के बारे में पुलिस ऑफिसर से पूछती है। उस लेडी का हस्बैंड उन्हीं लोगों में इंक्लूड था जो कि वहाँ से गायब हुए थे। अब जाहिर है पुलिस ऑफिसर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो उस लेडी को कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स रहे, हम आपके हस्बैंड को ढूंढ लेंगे एज सून एज पॉसिबल। ये कहकर वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर एक डिप्यूटी भी था। पुलिस ऑफिसर डिप्यूटी से पूछता है कि क्या आप इन बातों पर बिलीव करते हैं कि कोई बिग फुट होता है, जिस पर वो डिप्यूटी रिप्लाई करता है कि नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन हम इस बात को फजूल भी नहीं कह सकते, इग्नोर भी नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर एक फीमेल पुलिस ऑफिसर आ जाती है। वो पुलिस ऑफिसर को बताती है कि अभी मुझे एक लड़की की कॉल आई थी, वो लड़की बता रही थी कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर वो पुलिस ऑफिसर जल्दी से उस एक्सीडेंट वाली लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उन लोगों की गाड़ी तो रिवर में गिरी हुई है, लेकिन गाड़ी को रिवर से बाहर निकालते निकालते उन्हें रात हो जाती है। फिर वो पुलिस ऑफिसर गाड़ी को चेक करता है और उसमें से उसे मैक्स और एशली की पिक्चर्स मिलती हैं। तब वो अपने बाकी पुलिस ऑफिसर्स को कहता है कि इन दोनों के बारे में इंक्वायरी करो, पता लगवाओ इन दोनों का। उधर एशली और मैक्स एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो कभी भी नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे, वो एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे और अपने रिलेशन को अच्छा लेकर चलेंगे। नेक्स्ट डे एशली को वही आदमी नजर आता है जिसका उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन आंख खुलने पर एशली को रियलाइज होता है कि ये उसका सिर्फ एक नाइटमेयर था और कुछ नहीं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि जहाँ पर उन्होंने अपने कपड़े ड्राई करने के लिए रखे थे वहाँ से एशली के कपड़े गायब थे, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मैक्स के कपड़े थे, एशली के नहीं थे। तब मैक्स एशली को अपनी टी शर्ट पहना देता है और अब वो रिवर को फॉलो करने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन थोड़ी दूरी
पर ही जाते हैं इन्हें रियलाइज होता है कि आगे कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए वो आगे बढ़ने के लिए जंगल में से ही गुजरने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कोई इनका काफी देर से पीछा कर रहा था, और जो इनको फॉलो कर रहा था उसमें ये एबिलिटी थी कि वो खुद को जंगलों में हाइड कर सकता था, और वो खुद को नेचर में इस तरह छुपा लेता था कि उसे ढूंढना तो इम्पॉसिबल था। इसीलिए वो इनके इतना करीब होने के बावजूद भी ये उसे नहीं देख पा रहे थे, और ये कोई और नहीं बल्कि वही डीमन क्रिएचर था जिसे लोग बिगफुट कहते थे। तभी अचानक से इन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि वहाँ पर वो लोग हैं जो शिकार पर आए थे, जो इन्हें गैस स्टेशन पर भी मिले थे। फिर वो दोनों सोचते हैं कि शायद वो हमारी हेल्प कर दें, इसीलिए वो लोगों के पास जाने का डिसीजन लेते हैं। अब यहाँ पर मैक्स एशले को उन लोगों की नजरों से बचाने के लिए उसे वहीं पर छुपा रहने को बोलता है, और उनसे मदद मांगने के लिए मैक्स खुद जाता है उन लोगों के पास। और जब वो लोग मैक्स को देखते हैं तो वो उस पर हंसने लगते हैं। मैक्स उन लोगों को समझाने की काफी कोशिश करता है कि प्लीज मुझे फोन दे दीजिए ताकि मैं हेल्प के लिए किसी को कॉल कर सकूं। वहीं पर उन लोगों के ग्रुप का एक लीडर भी होता है जिसका नाम होता है बीडी। बीडी मैक्स को कहता है कि हमारे पास तो कोई फोन नहीं है क्योंकि जंगल में सिग्नल्स नहीं आते, इसीलिए हम कोई मोबाइल नहीं लाए। लेकिन बीडी के पास एक रेडियो होता है जिस पर मैक्स कहता है कि आप मुझे अपना रेडियो ही दे दीजिए फिर। लेकिन बीडी उसे रेडियो देने से भी इनकार कर देता है, और इवन जब मैक्स उसे ये पूछता है कि आप एटलीस्ट हमें मेन रोड का रास्ता ही बता दीजिए तो वो मैक्स को ये भी नहीं बताता। एशली जो कि छुपी हुई थी अचानक से उसके पीछे बिगफुट आ जाता है, और बिगफुट एशली का बाल काट कर ले जाता है। लेकिन जब एशली टर्न करके देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता क्योंकि बिगफुट वहाँ से जा चुका था तब तक। लेकिन एशली डर जाती है और वो भागते भागते मैक्स के पास आ जाती है, और जब वो ग्रुप के लोग एशली को उस हालत में देखते हैं तो वो उस पर हंसने लगते हैं, उसका मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन अब बीडी अपने ग्रुप के लोगों को खामोश रहने को बोलता है, और उन दोनों हस्बैंड वाइफ की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो मैक्स और एशली दोनों को कपड़े देता है, फिर ये सब लोग मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर को जो एशली और मैक्स के बारे में सब कुछ पता लगवा चुके थे, लेकिन अब तक पुलिस ऑफिसर को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो लोग गए कहाँ पर हैं, उनके साथ रास्ते में क्या हुआ होगा, क्योंकि इंक्वायरी में उन्हें ये बात पता चली थी कि किसी ने उनकी गाड़ी को धक्का लगाकर रिवर में फेंका था। अब डिप्यूटी को बिगफुट की कहानी पर यकीन आने लगा था, उसका कहना था कि कहीं ये बिगफुट ने तो नहीं किया, लेकिन पुलिस ऑफिसर इस बात को मानने से साफ इनकार करता है। उसका मानना था कि आज के टाइम में कोई बिगफुट कोई क्रिएचर्स नहीं होते। एशली और मैक्स उन लोगों के साथ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही बीडी फिर से उन लोगों का मजाक बनाने लगता है, और बीडी एशली के बारे में गलत वर्ड्स बोलने लगता है। अपनी बीवी के बारे में ऐसी बातें सुनकर मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है बीडी पर। लेकिन अब क्योंकि ग्रुप के लोग तादाद में काफी ज्यादा थे इसीलिए मैक्स उन्हें कुछ भी नहीं कहता। तभी ग्रुप के दो लोग उनसे अलग हो जाते हैं, उनमें से एक को ट्री के पास कुछ अजीब सा नजर आता है, और वो था बिगफुट। अब क्योंकि बिगफुट ने खुद को जंगल में छुपाया हुआ था इसीलिए वो उस आदमी को नजर नहीं आ रहा था। तभी एक तीर आकर सीधा उस आदमी के गले के आर पार हो जाता है, और वो आदमी वहीं पर ही दम तोड़ देता है। उस आदमी का साथी जब वापस आता है तो वो देखता है कि उसका साथी तो मर चुका है। तभी सडन एक तीर आकर उसके गले में भी लग जाता है। अब ना तो वो बोल सकता था और ना ही हेल्प के लिए चिल्ला सकता था, और तभी बिगफुट उसके सामने आ जाता है। बिगफुट अपने हाथों से उस आदमी की दोनों आंखें ही फोड़ डालता है, और बाद में बहुत बुरे तरीके से उसके सर को क्रश कर देता है। तभी उन लोगों का तीसरा साथी उन्हें बुलाने के लिए वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उस आदमी को वो दोनों कहीं पर भी नहीं मिलते क्योंकि बिगफुट उनकी डेड बॉडीज को अपने साथ ही ले गया था। और तभी वो भी बिगफुट की आवाज को सुन लेता है, लेकिन जब वो अपने इर्द गिर्द देखता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता, जिसकी वजह से वो डर जाता है और तेजी से वहाँ से भागने लगता है। लेकिन इतना तेजी से भागने की वजह से वो गिर जाता है जिससे उसके हाथ की हड्डियाँ टूट जाती है। लेकिन तभी उसके पास बिगफुट आ जाता है, और वो एक एक्स की मदद से उस आदमी के गले पर कई बार स्टैप करता है जिससे उस आदमी का सर ही धड़ से अलग हो जाता है। इसके बाद बिगफुट बाकी लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पर उस ग्रुप के बाकी लोग एशली और मैक्स को अभी तक परेशान कर रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी को बिगफुट एरो मारकर जान से मार डालता है। उस आदमी के मरते ही सब लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। उस ग्रुप का एक मेंबर बिगफुट को देख लेता है, इसीलिए वो बिगफुट पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन बिगफुट को तो एक भी गोली नहीं लगती और वो बच जाता है। लेकिन उस आदमी के अलावा ग्रुप के बाकी लोगों को बिगफुट नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा साथी आखिर गोलियां किसको मार रहा है। लेकिन तभी बिगफुट को मारते मारते वो आदमी अपने ही एक साथी को शूट करके मार डालता है, और इसमें मैक्स को भी कुछ गोलियां लग जाती हैं जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जो आदमी बिगफुट को देख पा रहा था जो उस पर गोलियां चला रहा था, अब उसकी गन की गोलियां भी खत्म हो गई थी, और तब उसके पास बिगफुट आ जाता है और उसका गला ही काट देता है। इसके बाद बिगफुट एशली की तरफ बढ़ता है, जिससे बचते हुए एशली कहीं पर छुप जाती है जहाँ पर ऑलरेडी एक आदमी छुपा हुआ था। लेकिन बिगफुट उन लोगों को वहाँ पर छुपा हुआ देख लेता है, और वो उस आदमी को आकर पकड़ लेता है जो कि वहाँ पर छुपा हुआ था। बाद में बिगफुट उस आदमी के मुंह को ही फाड़ देता है, और उस आदमी को मरने के लिए वहीं पर उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर एशली वहाँ से भागने लगती है, लेकिन बिगफुट अब अपना तीर एशली पर फेंकता है, और तीर लगने की वजह से एशली नीचे गिर जाती है। इसके बाद बिगफुट एशली को पकड़ लेता है, और वो उसे उसी जगह पर ले आता है जहाँ पर मैक्स बेहोश पड़ा हुआ था। फिर बिगफुट मैक्स को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जब बिगफुट एशली की तरफ देखता है तब वो ये डिसाइड करता है कि वो मैक्स को नहीं मारेगा। इसके बाद हम देखते हैं बीडी को जो कि अभी तक जिंदा था, और वो पीछे से बिगफुट को शूट करने लगता है, और एक गोली जाकर सीधा बिगफुट के शोल्डर पर लगती है जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद बिगफुट जल्दी से बीडी पर अटैक कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। ये कर लेने के बाद बिगफुट एशली और मैक्स को अपने साथ ले जाता है, लेकिन बिगफुट अब मैक्स को वहीं पर छोड़कर एशली और बीडी को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरिफ डिप्यूटी के साथ किसी जगह पर आया था, क्योंकि वहां पर एक लेडी को कैंसर था और उसके लिए वो रात को मिलकर एक रिचुअल करने वाले थे। अब पुलिस ऑफिसर यहां पर आना नहीं चाहता था, लेकिन वो डिप्यूटी के कहने पर ही वहां आया था। मैक्स जो कि जख्मी हालत में अभी तक ही जंगल में पड़ा हुआ था, तभी वहां
वहाँ पर एक क्रीपी बूढ़ी औरत आ जाती है जो बिल्कुल विच जैसी ही लग रही थी। जब उस बूढ़ी औरत को रियलाइज होता है कि मैक्स अभी तक जिंदा है तो वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। उस बूढ़ी औरत का घर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था। बूढ़ी औरत के घर में अजीब तरह की चीजें थी जिसमें हड्डियां थी, स्पाइडर्स थे, इसके अलावा इंसेक्ट्स और छोटे छोटे जानवरों को बॉटल्स में कैद किया हुआ था। वो बूढ़ी औरत मैक्स का एक डोमेस्टिक ट्रीटमेंट करती है। वो सबसे पहले मैक्स की बॉडी से सारे बुलेट्स निकाल देती है, फिर वो एक चीज खाकर मैक्स के जख्मों पर थूक देती है, फिर वो एक मिक्सचर को मैक्स के जख्मों पर लगाती है, बाद में वो मैक्स के जख्मों को स्टिचेस लगा देती है। दूसरी तरफ एशली को जब होश आती है तो वो खुद को बिगफुट की केव में बंधा हुआ पाती है। वहीं पर उसे अपने साथ बीडी भी नजर आता है। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन्स और बीडी के ग्रुप के लोग भी थे। तभी वहाँ पर बिगफुट आ जाता है और वो एक काफी बड़ी नाइफ से बीडी को मार डालता है और बाद में उसकी बॉडी के पार्ट्स निकाल लेता है। इसके बाद बिगफुट बढ़ता है एशली की तरफ और वो एशली के साथ जबरदस्ती कर देता है। दूसरी तरफ हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो बाकी लोगों के साथ उस रिचुअल में बैठ गए थे। रिचुअल में सब लोग एक एक करके एक उनका बनाया गया ड्रिंक पीने लगते हैं। अब ना चाहते हुए भी पुलिस ऑफिसर को वो ड्रिंक पीना पड़ता है। फिर वो लोग अपने ट्रेडिशन के मुताबिक सिंगिंग करने लगते हैं और थोड़ी देर में उस ड्रिंक को पीने की वजह से पुलिस ऑफिसर की तबीयत खराब होने लगती है। पुलिस ऑफिसर को कुछ अजीब ही फील हो रहा था और फिर उसे विजन्स आने लगते हैं। सारे विजन्स काफी अजीब थे। पुलिस ऑफिसर को डेप्यूटी की शक्ल काफी डरावनी लग रही थी, लेकिन डेप्यूटी की शक्ल भी एकदम से ठीक भी हो जाती है। और जो लोग वहाँ पर ट्रेडिशन का कॉस्ट्यूम पहनकर डांस कर रहे थे, पुलिस ऑफिसर को उनमें से एक बिगफुट जैसा लग रहा था। फिर पुलिस ऑफिसर देखता है कि जो आदमी ये रिचुअल कर रहा है वो उस लेडी जिसे कैंसर है उसे लिटा कर वो उसके पेट को काट देता है और उसका कैंसर ठीक कर देता है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उस लेडी को जरा भी पेन नहीं होती। लेकिन अब पुलिस ऑफिसर इन अजीब विजन से तंग आ गया था, उसे बहुत ज्यादा पसीने आने लगते हैं, इसीलिए वो वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर अगले दिन जंगल में जब मैक्स को होश आता है तो उसके सामने बैठा होता है पुलिस ऑफिसर। मैक्स पुलिस ऑफिसर से एशली के बारे में पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ पर है। यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर जो पहले बिगफुट की कहानी पर यकीन नहीं करता था, अब उसे सारी बात समझ आ गई थी, इसीलिए अब वो सारी बात मैक्स को समझाने लगता है। पुलिस ऑफिसर मैक्स को बताता है कि आज भी हमारे जंगलों में एक डिमन क्रिएचर रहता है और इस क्रिएचर को हम बिगफुट कहते हैं। और अब पुलिस ऑफिसर बताता है कि आखिर ये बिगफुट है कौन। वो कहता है कि ये डिमन क्रिएचर हमारे कबीले के पुराने लीडर है और एक जमाने में तो ये हमारे भी लीडर हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी सोल बिगफुट के रूप में आकर हमें डरा रही है। और ये एक एंशिएंट लीडर है जो कि काफी पुराने कबीले से बिलोंग करते हैं और जब से इनका कबीला बना था ये तभी से हमारे बीच इन जंगलों में रह रहे हैं, इसीलिए तो वो एंशिएंट टाइम के वेपन्स को अच्छे से चला सकते हैं। यानी सिंपल अगर कहा जाए तो वो एंशिएंट लीडर की सोल है। पुलिस ऑफिसर मैक्स को बताता है कि तुम्हारी वाइफ एशली को वही उठा कर ले गया है और तो और बिगफुट अब इंजर्ड भी है क्योंकि उसके शोल्डर पर गोली लगी थी। अब क्योंकि मैक्स ने एशली को ढूंढना था और पुलिस ऑफिसर ने बिगफुट को मारना था, इसीलिए वो जंगल में जाने का डिसाइड करते हैं। क्योंकि बिगफुट इंजर्ड था और कमजोर था इसीलिए उसे मारने का मौका इससे अच्छा उन्हें नहीं मिल सकता था। लेकिन वो लोग ये बात जानते थे कि बिगफुट इंसानों की बॉडी और बुलेट्स को स्मेल कर सकता है, जिससे बिगफुट को ये बात पता चल जाएगी कि ये लोग वहाँ पर आए हैं। फिर वो लोग अपने साथ कुछ पुराने वेपन्स लेकर जाते हैं, साथ साथ वो एक लिक्विड को भी अपनी पूरी बॉडी पर लगा लेते हैं ताकि बिगफुट उनको स्मेल ना कर सके। पुलिस ऑफिसर जाते जाते अपने साथ एक गन भी ले लेता है। फिर ये दोनों बिगफुट का मुकाबला करने के लिए जंगल की तरफ जाने लगते हैं। तभी पीछे से वो बूढ़ी औरत उन लोगों को इनकरेज करने के लिए ड्रम बजाने लगती है, क्योंकि वो भी चाहती थी कि ये लोग बिगफुट का मुकाबला करके उसे मार डाले और जीत जाएं। एशली जो कि अभी तक बिगफुट की कैद में ही थी, बिगफुट जबरदस्ती एशली को इंसानी मांस खाने को देता है, लेकिन ना चाहते हुए भी एशली को वो खाना पड़ता है। लेकिन एशली के मुंह में एक बोन आ जाती है, वो उस बोन को पत्थर पर रगड़ कर उसे नुकीला बना लेती है और जब बिगफुट उसके पास आता है तो वो उसी बोन से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन बिगफुट को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक से बिगफुट को उस ड्रम की आवाज सुनाई देती है जो वो बूढ़ी बजा रही थी। बिगफुट को फौरन पता चल जाता है कि कोई उसे लड़ने के लिए वहाँ पर आ रहा है। फिर बिगफुट भी एक ट्रैप लेता है और वहाँ से लेकर वो बाहर चला जाता है। उसके जाते ही एशली अपनी रस्सियों को काटने लगती है। जब एशली खुद को आजाद कर लेती है तब वो वहाँ पर पड़े हुए कुछ कपड़े और एक गन लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मैक्स और पुलिस ऑफिसर को जो कि बिगफुट को ढूंढने के लिए वहाँ पर आए थे और अब वो अलग अलग होकर बिगफुट को ढूंढने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर किसी के प्रेजेंस का एहसास होता है, इसीलिए पुलिस ऑफिसर जल्दी से अपनी गन निकाल लेता है। अब क्योंकि बिगफुट बुलेट्स को स्मेल कर सकता था इसीलिए उसे पता चल जाता है कि पुलिस ऑफिसर आखिर है कहाँ पर, इसीलिए बिगफुट जल्दी से पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देता है और पुलिस ऑफिसर उसे गोली मार देता है और वो गोली बिगफुट को लग भी जाती है, जिसकी वजह से बिगफुट को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर पुलिस ऑफिसर का गला काटकर उसे बहुत ब्रूटल तरीके से मार डालता है। तभी वहाँ पर मैक्स भी आ जाता है और वो पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी को वहाँ पर पड़ा हुआ देखता है, लेकिन वहाँ पर बिगफुट नहीं था क्योंकि वो भाग चुका था। मैक्स पुलिस ऑफिसर की गन भी उठा लेता है। अब क्योंकि बिगफुट को गोली लगी थी वो इंजर्ड था इसीलिए उसका खून वहाँ पर गिरा हुआ था। मैक्स उस खून को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मैक्स एशली को देखता है जो कि बिगफुट को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। मैक्स एशली को आवाज लगाकर उसे वापस चलने के लिए बोलता है, लेकिन एशली मैक्स को कहती है कि अब मैं बिगफुट को मारे बगैर नहीं जाऊंगी। एशली मैक्स को इशारा करते हुए डायरेक्शन बता देती है कि बिगफुट यहाँ पर है। फिर एशली उसी तरफ चली जाती है जहाँ पर बिगफुट था और वो बिगफुट को शूट कर देती है। फिर ये दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ से भागने लगते हैं। काफी दूर भागने के बाद ये दोनों सांस लेने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से इन्हें बिगफुट की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब ये है कि वो मरा नहीं था बल्कि अभी जिंदा था। अब मैक्स डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर रुककर बिगफुट का मुकाबला करेगा, उसे लड़ेगा, उसे मार डालेगा, ताकि इसी दौरान
एशली को मौका मिल जाए और वो यहाँ से भागकर मेन रोड तक चली जाए। एशली वहाँ से जाना नहीं चाहती थी मैक्स को अकेला छोड़कर, लेकिन मैक्स फिर भी उसे किसी तरह भेज देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और अब एशली वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैक्स जाता है बिगफुट के पास और उस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन बिगफुट को उसका असर नहीं होता। बिगफुट जो की अब काफी इंजर्ड भी था और काफी कमजोर भी फील कर रहा था, लेकिन अभी भी वो बहुत पावरफुल था। उसे मारना उसे हराना इतना आसान नहीं था। यहाँ पर बिगफुट जल्दी से भागते हुए मैक्स के पास आ जाता है और वो मैक्स की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर की तरफ कर देता है, लेकिन तभी मैक्स एक नाइफ से बिगफुट पर अटैक कर देता है जिससे बिगफुट को दर्द होती है और वो मैक्स को छोड़ भी देता है। तभी मैक्स एक वुडन टॉप को उठाकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका पैर बिगफुट के लगाए गए ट्रैप में आ जाता है और यहाँ पर बिगफुट एक बार फिर से आकर मैक्स को पकड़ लेता है। लेकिन मैक्स अब उस टूटे हुए वुडन टॉप से बार बार बिगफुट को मारता रहता है, जिससे अब फाइनली बिगफुट की मौत हो जाती है। लेकिन मैक्स को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि बिगफुट मर चुका है। उसे तो यही लग रहा था कि बिगफुट कहीं दोबारा जिंदा ना हो जाए, इसीलिए वो एक बड़े से पत्थर को उठाकर बिगफुट के सर पर मारता है, जिससे बिगफुट का सर क्रश हो जाता है। एशली बिल्कुल सही सलामत होती है और मेन रोड तक पहुंच जाती है। मैक्स जो कि काफी थक गया था इसीलिए वो वहीं पर ही बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही मैक्स वहां से उठकर जाने लगता है दो तीर उसे आकर लग जाते हैं और उसके आसपास हमें बहुत सारे बिगफुट्स देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि वहां पर कोई एक बिगफुट नहीं था बल्कि वहां पर बहुत सारे बिगफुट्स थे, यानी वो जो एंशिएंट स्पिरिट्स थी वो कोई एक नहीं थी बल्कि बहुत ज्यादा थी। और ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है।